हेलो दोस्तों, मैथ्स से डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हार्मोनिक मीन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हरात्मक श्रेणी। तो आज हम हार्मोनिक मीन पढ़ने वाले हैं। हार्मोनिक मीन किसे कहते हैं? किसी श्रेणी के पदों की संख्या में उन पदों के व्युत्क्रमों के योग का भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है, उसे उस श्रेणी का हम हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन कहेंगे। तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए हम व्यक्तिगत सीरीज देखते हैं। फर्स्ट है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमारी सीरीज इंडिविजुअल सीरीज होगी तो हम हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल सीरीज का, हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन अपॉन वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू प्लस वन अप टू वन अपॉन एक्स एन इक्वल टू एन अपॉन, इसे समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, समेशन वन अपॉन एक्स। ये हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपॉन एन। तो हमारा ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो गया। और इसे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 2, 5, 0.5, 0.05 and 6। ये हमें गिवन सीरीज है, इसका हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ये हमारी गिवन सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन अपॉन वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू प्लस वन अपॉन एक्स थ्री प्लस वन अपॉन एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फाइव। तो हमने यहाँ पे फाइव टर्म्स तक ही लिखी है क्योंकि हमारे पास गिवन एन की वैल्यू कितनी है, फाइव है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने एक्स की वैल्यू एक्स फाइव तक हमें यहाँ से मिलेगी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास फाइव है, फाइव अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन 0.5 प्लस वन अपॉन 0.05 प्लस वन अपॉन 6। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, हमें ये मिल गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 5 अपॉन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 0.5 प्लस 0.2 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 0.17। हमें ये वैल्यू मिल गई इक्वल टू 5 अपॉन, सब ऐड कर लेते हैं, 22.87 यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.218। तो हमारा हार्मोनिक मीन मिल गया गिवन इंडिविजुअल सीरीज का, हार्मोनिक मीन इक्वल टू 0.218। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे हार्मोनिक मीन निकालेंगे। सेकेंड है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन अपॉन एफ वन अपॉन एक्स वन प्लस एफ टू अपॉन एक्स टू सोन अप टू एफ एन अपॉन एक्स एन इक्वल टू, इसे हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एन अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स। तो हमारा डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे हमारा एन क्या पदों की संख्या हो जाएगी और
एक्स हमारा पदमूल्य था, एफ क्या हो जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी, इट मीन्स आवृत्ति हमारी एफ हो जाएगी। क्वेश्चन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड। हमें गिवन सीरीज है उसके लिए हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। क्वेश्चन है हमारा सीरीज ले लेते हैं, हमें आई दे रखी है रुपए के आपके हजारों में, थाउजेंड में हमें आई दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे आय दे रखी है। अब व्यक्तियों की संख्या है हमारी, व्यक्तियों की संख्या गिवन है 5, 10, 16, 25, 30, 11, 2 एंड 1, ये हमें गिवन सीरीज है। इसकी हेल्प से हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। फर्स्ट हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो हमारी टेबल होगी, फर्स्ट में हमारे एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सेकंड में हमारी एफ हो जाएगी, नेक्स्ट हमें एफ वन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे एफ की वैल्यू रख लेते हैं 5, 10, 16, 25, 30, 11, 2 एंड 1, हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब एफ अपॉन एक्स निकालते हैं, एफ अपॉन एक्स, एफ में 5 का 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगी। यहाँ से 10 ये 5, 16 अपॉन 3 5.33, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 6.250, नेक्स्ट हमारा 6.00, नेक्स्ट 1.883, नेक्स्ट हमारा 0.285, लास्ट वन आएगा हमारा 0.125। तो हमने एफ मैक्स से डिवाइड करके ये सारी वैल्यूज निकाल ली। अब समेशन ऑफ एफ अपॉन एक्स निकाल लेते हैं, सारे टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें, सारे ऐड करेंगे फ्रिक्वेंसीज को, एन इक्वल टू 100 मिल जाएगा। और यहाँ से समेशन एफ अपॉन एक्स निकाल लेते हैं, समेशन एफ अपॉन एक्स इक्वल टू सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 29.876। तो ये हमें वैल्यूज़ मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई और समेशन एफ अपॉन एक्स की वैल्यू भी मिल गई हमें। पहले हमने एक्स की वैल्यू लिखी, फिर हमने एफ निकाला, फिर अपॉन एफ अपॉन एक्स निकाला, वहाँ से फिर समेशन एफ अपॉन एक्स से हमने वैल्यू निकाल दी। सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू 100 एंड समेशन एफ अपॉन एक्स की वैल्यू मिली थी हमें 29.876 इक्वल टू 3.347। तो हमने ये डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे ये हमने चेक किया। नेक्स्ट है हमारा, अगर वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना होगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड हार्मोनिक मीन। वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन अपॉन समेशन डब्ल्यू अपॉन एक्स इक्वल टू एन अपॉन, इसे हम डब्ल्यू वन अपॉन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू अपॉन एक्स टू प्लस डब्ल्यू थ्री अपॉन एक्स थ्री सोन अप टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में फ्रिक्वेंसी की जगह पे डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारा वेटेड हार्मोनिक मीन निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे हार्मोनिक मीन निकालेंगे। थर्ड है हमारा कंटिन्यूस सीरीज, अगर हमारी सीरीज कंटिन्यूस होगी तो हम कैसे हार्मोनिक मीन निकालेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा गिवन सीरीज है हमारी, प्राप्तांक दे रखे हैं 0 टू 10,
टेन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी टू थर्टी, थर्टी टू फोर्टी एंड फोर्टी टू फिफ्टी, ये हमें प्राप्तांक गिवन है। विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी हमारी, विद्यार्थियों की संख्या गिवन है हमारे टू फाइव टेन फोर एंड थ्री, ये गिवन हमें सीरीज है। हमें इसकी हेल्प से हार्मोनिक मीन निकालना है। ये गिवन सीरीज हमारी कंटिन्यूस सीरीज है। इसके लिए पहले हम टेबल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। ये हमारी टेबल है। फर्स्ट में आपके प्राप्तांक आ जाएंगे, नेक्स्ट हम आपके मिडिल पॉइंट निकालेंगे इस प्राप्तांक के, नेक्स्ट आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी है, फिर हमें एफ अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। मिड पॉइंट हो जाएगा आपका जीरो से टेन के बीच में, मिड पॉइंट हो जाए टेन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव, टेन प्लस ट्वेंटी अपॉन फाइव, टेन प्लस ट्वेंटी अपॉन टू इक्वल टू फिफ्टीन, ऐसे इसका मिड पॉइंट हमारा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, इसका थर्टी फाइव, नेक्स्ट हमारा फोर्टी फाइव। फ्रिक्वेंसीज लिख लेते हैं टू फाइव टेन फोर थ्री, ये हमारी फ्रिक्वेंसीज हो जाएगी। एफ अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी जीरो पॉइंट फोर जीरो जीरो, जीरो पॉइंट थ्री थ्री थ्री, जीरो पॉइंट फोर जीरो जीरो एंड जीरो पॉइंट वन वन फोर एंड जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स, ये हमारी एफ अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी। एन की वैल्यू निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ हो जाएगा, तो एन इक्वल टू हमारे पास ट्वेंटी फोर मिल रहा है। समेशन एफ अपॉन एक्स निकाल लेते हैं, सारे वैल्यूज ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी वन पॉइंट थ्री वन थ्री। तो सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं। हार्मोनिक मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा एन अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपॉन वन पॉइंट थ्री वन थ्री इक्वल टू एटीन पॉइंट टू सेवन एट। ये हमारा हार्मोनिक मीन निकल गया। ये हमारी गिवन सीरीज थी कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हमने अभी हार्मोनिक मीन निकाले, फर्स्ट हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी, सेकेंड हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी, अभी हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज से हार्मोनिक मीन निकाला। नेक्स्ट है हमारा गुणोत्तर माध्य। अभी हमने हार्मोनिक माध्य देखा, हार्मोनिक मीन देखा, अब हम ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य का हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास गिवन टर्म्स हैं, पदों की संख्या हमारी एक्स वन एक्स टू सोन अप टू एक्स एन, हमारे क्या है पदों की संख्या है, पदों की संख्या हमारी एन हो जाएगी, तो हमारे पास गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है जी एम इक्वल टू, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है जी एम इक्वल टू एन एथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सोन अप टू एक्स एन, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जितने टर्म नंबर दिए होंगे उस हिसाब से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। जगह गिवन हमें एट और फोर टू डिजिट दे रखी है, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो जी एम इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास गिवन के हैं दो ही टर्म है, तो यहाँ से हमारे एन की वैल्यू टू हो जाएगी। यहाँ पर टू वैल्यू रखेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा किसका निकालना है, एट एंड फोर का ज्योमेट्रिक मीन, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा एट इंटू फोर। इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें टू टू के पेयर बनाने पड़ेंगे, तो ये हमारा निकल आएगा टू, यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा फोर रूट टू, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा जब हमें गिवन टर्म नंबर क्या होंगे दो होंगे। अगर तीन होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन नंबर्स पदों की संख्या तीन दे रखी होगी, तो ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स नाइन ले लेते हैं। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो जी एम इक्वल टू क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टू था, जितने पदों की संख्या होगी एन की जगह पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स इंटू नाइन,
तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। ऐसे फोर टर्म होंगे तो यहाँ पे हम एन की जगह फोर रखेंगे और फोर टर्म का फोर्थ रूट निकालेंगे। ऐसे फाइव होंगे तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। अब हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, तो हमें रिलेशन देखना है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन होता है। तो हमारा अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, एक्स बार ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो हमारा एक रिलेशन ये होता है, हमारा अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसके बाद हार्मोनिक मीन होता है। लेकिन जब कभी हमें श्रेणी में सभी पदों की संख्या क्या होती है, समान होगी, सभी पदों का मूल क्या होगा, अगर समान होता है तो उस टाइम पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, एक्स बार इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम। अगर पदों की सब मूल क्या होंगे, अगर समान होंगे तो उस टाइम पे हमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक या अरिथमेटिक मीन सारे इक्वल बनेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइंड करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा, एक्स बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो हमारा ये रिक्वायर्ड रिलेशन होता है हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में। हमारा क्या होता है, एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये हमारा इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन और होता है, जी एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो हमारा जी एम अरिथमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर कर देंगे तो जी एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स बार इंटू हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हमारा अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारे ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन के बीच में रिलेशन। और एक ये हमारा अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये दो रिलेशन आपने देखे अभी। इस फॉर्मूले को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू एंड ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एंड हार्मोनिक मीन होता है हमारा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या मिल जाए, जी एम इक्वल टू ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ए प्लस बी अपॉन टू इंटू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस वैल्यूज को हम इस क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए भी मिल गया। तो हम वैल्यूज पुट करके भी दे सकते हैं। तो हमें सिंप्लीफाई कर लिया, हमने यहाँ से क्लियर कर लिया कि ये एक्स बार और जी एम और एच एम की वैल्यू रख के हमने यहाँ पे देख लिया कि जी एम होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बार इंटू एच एम। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जी एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स बार इंटू एच एम होता है। तो दोस्तों आज हमने ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।